नगर पालिका जोरा और ग्राम पंचायत अलापुर की लापरवाही के चलते दो भैंसों की जान गई। जोरा नगर पालिका और ग्राम पंचायत अलापुर के जिम्मेदार कर्ता धर्ताओं की निष्क्रियता और ढुलमुल नीति से दो भैंसों की मौत। ग्राम पंचायत अलापुर में रेलवे फाटक से लेकर ओम श्री मनकामेश्वर मंदिर तक नियमों को ताक पर रखकर नगर पालिका द्वारा लगभग 6 महीने पूर्व सड़क और नाला निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी न सड़क बनी और न ही नाला बना, जिससे इस रोड पर गड्ढे होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, बरसात का पानी जमा हो रहा है। पूरे जौरा में यही स्थिति बनी हुई है। नगर पालिका जौरा और ग्राम पंचायत अलापुर की लापरवाही की वजह से आज दो भैंसों की मौत हो गई। घटनास्थल के पास भरे हुए पानी में से करीब 40 भैंस निकलकर जा रही थी। जो भैंस जो पीछे रह गई थी वो अचानक विद्युत का तार टूटकर पानी में गिरने से करंट आ गया और करंट लगने से दो भैंसों की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं अलापुर ग्रामवासियों का कहना है कि हमने मौखिक रूप से और लिखित रूप से कई बार नगर पालिका और पंचायत को और ग्राम पंचायत को जल भराव की समस्या के निराकरण की बात कही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके चलते आज दो भैंस खत्म हो गई और हम अलापुरवासी इस गंदे पानी में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं इस संबंध में जब मुरैना अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद से बात की गई तो उनका ये कहना है कि हमने सभी सीएमओ और नगर निगम कमिश्नर सभी को आदेशित किया है कि जहां भी जल भराव की समस्या है उसका तुरंत निदान किया जाए। क्या नाम भैया आपका? हर्षद। क्या मामला हो गया यहाँ? अरे जो जहाँ पर भैंस पानी भरा हुआ है और जहाँ पर भैंस मर चुकी ना, बिजली वाले कुछ नहीं करते और बिजली वाले कहते हैं हमारा बिल नहीं आ रहा है, जी नहीं आ रहा है, और फार्म के लिए सब आए थे अभी भी डीपी के लिए 1000 रुपये नक्के के 1000 रुपये एक आदमी से घर से मांगा है, और बिल के लिए ऐसा आया था कि बिल भी है सब है, फिर भी उसके लिए मांगते हैं। और देखो इधर भी देखो, भैंस मर चुकी हैं, अब इनका क्या होगा? इनको भी क्या पानी इनका हमारा क्या होगा? ये पानी का भी कुछ नहीं हो रहा, पानी भी देखो किस तरीके का भरा जाता है, नहर चलने की वजह से चलता है, आदमी तरीके निकल रहे हैं। तो ये पानी क्यों भरा, क्या यहाँ साफ सफाई नहीं होती है? हमारी देखो जी, हमारी माँ मर गई होती है भैंस भगाते भगाते, ये हमारी माँ देखो कितनी जाएंगी, ये बाल देखो बाल भैंस भगा रही है, और मर जाती तो क्या होता, देखिए जनता निकल रही है, मर जाती तो इनका क्या होता? पानी कैसे भरा हुआ है यहाँ? पानी देखो नल्ले बन रहे, ना कुछ कर रहे, कुछ भी कर रहे, ना मकान पूरे मकान फोल लिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्या होगा? ऐसा क्या था जिसके कारण भैंस मर? करंट लगा और क्या, और जो हमारी माँ भगाने गई तो माँ भगाते भगाते तो उनको भी करंट लग गया, प्रभु तो हमने सब लोगों ने बचाया। ना भैया आपका? हासी गली। क्या घटना हो गई है यहाँ? अरे इसमें तार टूट गए, भैंसों पे गिरा था मानव पे, पानी बहुत दिनों से भरा हुआ है यहाँ पे, मकान टूट गए सब भी, तो भी कुछ नहीं हुआ इसका। मकान किसने तोड़े? नगर पालिका टूटे। मकान क्यों तोड़े थे? मकान का चोरी करेंगे, 100 फुटगी जिसको 100 फुटगी ना 50 फुटगी भाई। तो ये पानी कब से भरा हुआ है? पानी हो गया 6 महीने। तो काम करा नहीं नगर पालिका? कोई अच्छा, कोई नाले बन रहे ना कुछ समय, मकान आदमी परेशान, जनता मकान वाले परेशान, लाट वाले परेशान, सब परेशान, आदमी मरने से बचे गई, पकड़ने से आदमी परेशान है सब यहाँ पे। लगभग कितनी भैंसा निकल रही थी यहाँ? भाई भैंसा 40। और रोज का करना है? और रोजा करना है, मैं तो गया ले। अभी कितनी भैंसा खत्म हुई है? अभी दो भैंसा खत्म हुई, और उसमें माँ भी थी हमारे साथ में, उनको देखिए। इसके संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है सीएमओ को, कमिश्नर नगर निगम को, इवन बिजली विभाग को भी, कि ऐसी कोई घटना घटित ना हो। फिर भी कहीं घटित हुई है तो इसका जिला प्रशासन इसके लिए खेद व्यक्त करता है, और इस संबंध में जैसा आपका कहना है पुनः बात की जाएगी संबंधित विभाग से। जल भराव था वहाँ, वैसे नहीं कि जो करंट आने से खत्म हो गई, किसानों को वहाँ से कैसे सहायता? देखा जाएगा, नियमानुसार जो भी मदद बन पाएगा किसानों को की जाएगी।